अगर भलेसा की बात करें तो यहाँ पे आइडियाज बहुत कम हैं, और एक आइडिया यहाँ पे हमारे दोस्त लेके आए हैं टेंट हाउस और जो फोटो शूट वगैरह होता है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा आइडिया भलेसा के अंदर लेके आए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि भलेसा के लोग जो हैं इसको ट्रेंड में लाएंगे। और खास तौर पर अगर यहाँ के यूथ की बात करें, सारा जो है वो बेरोजगार है, बहुत सारे आइडियाज हैं, सिर्फ सोचने की दरकार है, और अगर वो आइडियाज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, भलेसा के अंदर जो भी एंटरप्रेनर हैं वो अगर एक इंसान ने किरियाना की शॉप डाली तो दूसरा भी जो है किरियाना की शॉप डालेगा, अगर एक ने रेडीमेड की शॉप डाली तो दूसरा भी जो है वो रेडीमेड शॉप डालता है। एक अच्छा कंसेप्ट हमारे भाई लेके आए हैं टेंट हाउस, और साथ में जो है वो फोटोशूट वगैरह जो मैरिज सेरेमनी में होता है उसके अलावा भी होता है, तो हमें बहुत खुशी हुई और हमने सोचा कि ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों तक लेके आए, हम इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। आप हमें बताएं कंसेप्ट कैसे आया आपके पास? सागर भाई, ये कि 2 महीने पहले ऐसे मतलब पहले मैं वीडियोग्राफी करता था, छोटी मोटी ऐसे फ्रेंड वगैरह कोई शादी वादी में जाते थे ऐसे ही कैमरे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये टेंट हाउस वगैरह इसका काम करूं, क्योंकि मार्केट में ये सबसे यूनिक चीज है ही नहीं मार्केट में, और यहाँ तक कि मैंने देखा भी लोगों ने कहीं किश्तवाड़ से लाया सामान ये वाला, किसी ने खाटरी से साहिबान सब मतलब कुर्सियाँ वगैरह ये सब बाहर से लाई, वीडियोग्राफी तो किश्तवाड़ से हमें मंगवानी पड़ती है अच्छी वीडियोग्राफी, तो मैंने सब सामान लाया, वीडियोग्राफी का कैमरा वगैरह ये सेटअप सब लाया, तो कर लिया स्टार्ट, अब देखते हैं क्या होता है आगे कैसे। इसमें आपने क्या क्या चीजें मतलब मैरिज सेरेमनी पर टेंट के अलावा कुर्सी भी लगती है? देखो एक टेंट तो मैंने 30x60 का लाया, उसमें आपको मतलब जिस लेंथ में लगानवाना होगा वो मैं लगा के दूंगा। दूसरा टेंट है ये वाटरप्रूफ है, इसमें 30x30 का है। दूसरे टेबल है मेरे पास, कुर्सियां हैं, जनरेटर, इन्वर्टर, ये क्या बोलते हैं साहिबान, चेयर, ये डीजे, मतलब वीडियोग्राफी और जो भी मतलब मैक्सिमम जो भी शादी में लगता है मेरे पास सब आइटमें लाई है मैंने, अच्छी अच्छी आइटम है, तो अब देखते हैं क्या कैसा चल रहा है। हमें भी बहुत खुशी है, आप बात करेंगे कि जो इंसान चाहता है, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे रेंट की बात करेंगे, रेंट जो भी इंसान दे वीडियो देख रहा होगा वो यही सोचेगा कि अगर आपने चीजें लाई है तो किस रेंट पे रेंट का जो सागर भाई, रेंट तो मैं अभी पहले नॉर्मल ही रखूंगा, मतलब सबसे नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल चीज होगी नॉर्मल रेंट होगा वही करूंगा, और जो मतलब दिखने में मतलब गरीब इंसान होगा उसको मैं उसी हिसाब से दूंगा, मतलब नॉर्मल जेन्युइन रेट लगाऊंगा, हमें कोई बात नहीं है कि मैं वैसा रेट लगाऊंगा हाईफाई, वैसा कुछ नहीं है, जेन्युइन रेट मार्केट से थोड़ा कम ही लगेगा, ₹50 कम करूंगा। हम उम्मीद करेंगे कि ये रेट भी जो है वो कम ही लगाएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि मार्केट से थोड़ा कम ही मिलेगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि मैरिज सेरेमनी में वीडियोग्राफी होती है, फोटोशूट होता है, और वो सारी चीजें इन्होंने लाई है, कैमरा 2-4 हैं, उस एक अच्छा इनिशिएटिव। हम उम्मीद करेंगे कि भलेसा के और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ऐसे इनिशिएटिव्स भलेसा के अंदर लाएंगे और हमारा भलेसा जो है तरक्की करेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।